रायचूर न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आज की अहम सुर्खी यह है कि वार्ड नंबर 8 की अजीब कहानी, एक सड़क पर कंकर, एक सड़क पर पानी। शहर का अंदरून खिला गालिब नगर और कोटतलार मोहल्लाजात पर फैला बल्दिया का वार्ड नंबर 8 इन दिनों अपनी दो अहम सड़कों की तामीरी काम से मसाइल में घिरा हुआ है। इस वार्ड की दो अहम सड़कें एक साथ तामीराती मराहिल से गुजर रही हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ यहाँ की अवाम बल्कि शहर के बेशतर अवाम को दुश्वारी हो रही है। टीपू सुल्तान रोड, जो कि बल्दिया दफ्तर से सात कचहरी की तरफ जाती है, गुज़िश्ता दिनों इस सड़क की तौसी और तामीर का काम शुरू हुआ। पूरी सड़क पर जगह जगह मलबे के ढेर और नालियों का गंदा पानी ठहरा हुआ रहता है, जिसकी वजह से यहाँ गाड़ी चलाना तो दूर, पैदल चलना फिरना भी दुश्वार हो गया है। ऐसे में इसके मुतबादिल समझी जाने वाली गालिब नगर की सड़क, जो बस स्टैंड से सात कचहरी तक जाती है, इसकी तौसी व तामीर का काम भी शुरू किया गया है, जिससे अवाम को काफ़ी तकलीफ हो रही है। ऑटो ड्राइवर्स, गाड़ी चलाने वालों को इस सड़क की तोड़फोड़ से मसले लायक हो गए हैं। यहाँ की अवाम का कहना है कि बल्दिया के जिम्मेदारान को चाहिए कि पहले एक सड़क की तामीर को मुकम्मल कर लिया जाए, इसके बाद दूसरी सड़क पर काम शुरू किया जाए। आपका नाम भाई? मेरा नाम अब्दुल मुफीद है, मैं कोटतलार में रहने वाला हूँ। ये टीपू सुल्तान रोड जो खोदे हुए हैं मास्टर प्लान के वजह से, रोड बड़ी करने के लिए जो डेमोलिश करके जो रोड बड़ा कर रहे, उस लिए जो वो काम कंप्लीट नहीं हुआ। तो उसके अलावा अब जो है नया 5 दिन हो गया और टीपू सुल्तान रोड का काम अधूरा रख के जो है हमारा गालिब नगर रोड बस स्टैंड को जाते हुए और रास्ते में हॉस्पिटल, लक्ष्मी हॉस्पिटल है और तकरीबन लक्ष्मी हॉस्पिटल है, वो लोगों को डिलीवरी पेशेंट को जाने के लिए वहाँ पे तकलीफ हो रही है और बहुत पेंस हो रहे हैं। नॉर्मल होने की डिलीवरी ऑपरेशन से हो रही है, ऐसे सब खुशे हो रहे हैं। गरीब लोग कहाँ जाना है और गाड़ियाँ पोसे गिर रहे और कहाँ, ये रोड खोलने की वजह नहीं थी, वो कंप्लीट होने के बाद खोल सकते थे, उतना क्या अर्जेंट है। और जो भी ये काम पकड़े उनसे ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द ये काम अंजाम करे, कि काम को पूरी तरीके से जल्द से मरम्मत करके रिपेयर करे। तो ये रिक्वेस्ट है म्यूनसिपालिटी से, जो काम पकड़े वो कॉन्ट्रैक्टर से। एक ऑटो भी ऐसे ख़राब हो रहे हैं, इसमें शाखा दरा टूट जा रहे हैं और सामने के जो असम्बली के पिन्ना है वो टूट जा रहे हैं, बेरिंगा टूट जा रहे हैं। रोड खराब रहने की वजह से कस्टमर उतर के पैसे नहीं देके जा रहे, ऑटो वाले को कस्टमरों को बहुत प्रॉब्लम हो गया है। बस स्टैंड को जाना बोले तो बचवेसरा चौक से जाना पड़ता है, उसमें बसेस भी मिस हो रहे, ये रोड दोनों को तोड़ दिए तो कैसा जाना कैसा आना। उधर से जाना हो तो पैसेंजर को पैसे, ऑटो वाले को नहीं देते पैसेंजर पैसे, ऑटो वाले बहुत परेशान हैं। ये कोरोना की वजह से परेशान है, उसके बाद ये रोड खोदे उससे परेशान है। ये क्या है, किस तरह जीना, महीना होते EMI बनो बोल के बैंक से नोटिस आता ऑटो वाले को, मैं रिपेयरिंग कराए तो खाने नहीं है, खा रहे तो रिपेयरिंग को नहीं है। हाँ, और ये बैंक वाले अलग पैसे बनो बोलते हैं, क्या करना है, ये रोडों को ऐसा खोद लेके बैठे तो ऐसा कैसा होगा, ज़रा जल्द से जल्द रोड बनाए तो बेहतर रहता। ऑटो वाले की दुआ, म्यूनसिपाल्टी को, म्यूनसिपाल्टी के जो जिम्मेदार शख्स है वो लोगों को लगे कि जल्द से जल्द रिपेयरिंग कराए तो बेहतर रहता। अस्सलाम वालेकुम। Estaba aquí.